छठ महापर्व और नवरात्रि दोनों को मिला कर काम किया, तो दोनों इसका जो है इसकी ख्याल बढ़ेगी, उसका महत्व भी बढ़ेगा। तो उसी के संदर्भ में आज यह प्रेस वार्ता की गई है। ये प्रथम वर्ष है चैत्र छठ मनाने का जी, रायपुर में ये प्रथम वर्ष है समिति को जो अपना उनके समिति में संगठन जो कुछ होता है वो तो करता ही है, साथ में समाज के जितने भी लोग हैं सबके सहयोग से ही जो है स्वेच्छा अनुसार किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जैसे भंडारा कार्यक्रम है जो चावल दाल सब्जी जो भी लगता है उनके समाज के द्वारा ही किया जा रहा है। कलाकारों का जी मुंबई के दो कलाकार हैं, साथ ही हमारे दो कलाकार छत्तीसगढ़ के ये हैं, छत्तीसगढ़ से दो कलाकार लिए गए हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम की कल जो घन संध्या होगी वो छत्तीसगढ़ के दो कलाकार और दो मुंबई के कलाकार। साक्षात के बारे में अगर आप हमारे महाराज जी हैं निजानंद महाराज जी उस छठ पर्व के पुजारी हैं तो आप चैत्र छठ के विषय में बता दीजिए। चैती छठ जो है जैसे हमारे सनातन धर्म में चैत्र शुक्ल पक्ष से जो हम लोग नव वर्ष मनाते हैं उसी तरह हमारे उत्तर भारत समाज के माताएं हमारी माताएं खुद चैत्र और कार्तिक दोनों जो माह का लोग जो छठ देखे हैं तो हमारी माताएं दोनों करती थी, लेकिन ये वर्ष जो है चैत्र प्रतिपदा से जो हम लोग स्टार्ट करते हैं नवरात्रि आरम्भ होता है षष्ठी देवी तो मेन छठ यही चैती छठ से आरंभ होता है और कार्तिक में जो आप लोग हम लोग दिवाली के बाद मनाते हैं वो सेकेंड भी है, लेकिन पहला था इसमें कम लोग करते हैं, लोग बहुत लोग कम जानते थे, लेकिन कभी से परिवार से जुड़ा तो छठ की महिमा ऐसा आशीर्वाद मिलने लगा कि इनके अंदर एक प्रेरणा जागृत हुआ, जबकि इनके क्षेत्र में कोई छठ का महत्व जानते नहीं।